कि आपका एक नारा है बिहार में बढ़ती महंगाई भाजपा साजिश को किस किस तरह से आप नाकाम करेंगे? मुलाकात के दौरान विभिन्न मुद्दों पर ग्राउंड लेवल पर ही ये लोग नाकाम हो गए हैं। उनकी जुबानी समाज में नफरत का माहौल बना रहे हैं। अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री जी नाम दिए हैं, लेकिन ये देश के करोड़ों लोगों के जीवन में ही उन्होंने जहर घोल दिया है। जहर माने विषाक्त बना दिया है पूरे भारत के वातावरण को। जो गंगा जामुनी तहजीब थी यहाँ की, और उसको ये लोग तार तार करने का लंबे समय से कहा जाए कि भारत में अभियान चला रहे हैं। और जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं देश के, ये अभियान उनका और ज़्यादा तेज हो गया है। और इसको ग्राउंड लेवल पर ही शिकस्त दिया जा सकता है। जिस तरह से किसानों की दुर्दशा बढ़ी है, हैं कि किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिलता, धान का लागत मूल्य अगर 2500 रुपये क्विंटल पड़ता है तो मोदी जी समर्थन मूल्य जो है वो मैंने 1940 का तय करते हैं, उस पर भी धान खरीदा नहीं जाता है। किसानों को दुगने दाम पर खाद खरीदना पड़ा, DAP खाद और यूरिया मारामारी हुई। तो किसान अगर दोगुने दाम पर खाद खरीदेंगे और आधे कीमत पर धान बेचेंगे तो किसानों की आमदनी कैसे दुगनी होगी? बिल्कुल, ये सवाल किसानों का ज्वलंत सवाल, जिसको लेकर हमने पिछले शीतकालीन सत्र में ध्यानाकर्षण भी डाला। अभी बेरोजगारी का सवाल जो है चरम पर है। बेरोजगारी माने 19 लाख बेरोजगारों को काम देने का इनका वायदा था, बोल रहे थे कि डबल इंजन की सरकार हो गई है, लेकिन रोजगार के नाम पर ये लोगों को पान और चाय की दुकान करने का नसीहत दे रहे हैं, पकौड़ा तलने और पंक्चर की दुकान बनाने का ये नसीहत दे रहे हैं, जो यहाँ के करोड़ों नौजवानों के साथ घोर मजाक है और घोर अन्याय है। फिर महंगाई देख ही रहे हैं कि देश स्तर पर माने आसमान छू रही है रोज।